हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो ये प्रैक्टिस सेट 2.4 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम फॉर्मूला मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, एंड फर्स्ट क्वेश्चन करते करते आप समझ भी जाएंगे कि फॉर्मूला मेथड यूज कैसे करते हैं। तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। सबसे पहला स्टेप, दैट इज स्टेप वन, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो कंपेयरिंग दिस विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कंपेयर कर लिया। तो a का वैल्यू निकालिए, a का वैल्यू क्या आ रहा है कंपेयर करके, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b का वैल्यू क्या आ रहा है x का कोएफिशिएंट विच इज 6, एंड c कांस्टेंट क्या है हमारा 5। हमारे पास a b एंड c के वैल्यूज आ गए। अब देखिए, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है कि a b और c का वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो प्रैक्टिस सेट 2.4 का फर्स्ट पार्ट यही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप वो वाला वीडियो एक बार मेरा जाके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी और सी के वैल्यूज कैसे निकालते हैं। आफ्टर डूइंग दिस, आर नेक्स्ट टास्क इज फाइंडिंग आउट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको ये फाइंड आउट करना है। b क्या है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, एंड c क्या है 5। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 वन जा 4, 4 फाइव जा 20, तो 20 आएगा। 36 माइनस 20 विल गिव यू 16। तो b स्क्वायर माइनस 4 ए सी का वैल्यू क्या है 16। अब आगे बढ़ते हैं। Now we need to find out, we need to solve the main thing, which is finding out the value of x. तो x का value find out करने के लिए formula क्या है? Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ये formula आपको याद रखना होगा। Formula method नाम ही इसलिए, because मैं formulas है। So minus b, minus b का value 6 है, तो 6 लिखेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था, इसीलिए निकाला था। ओके, तो रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू 16 डालेंगे अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 डालेंगे। माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16 का वैल्यू क्या आएगा 4, 16 का रूट 4 होता है ना, अपॉन 2 वन जा 2। नाउ माइनस 6 एक बार पॉजिटिव 4 लेंगे अपॉन 2, एंड एक बार वी विल टेक नेगेटिव 4, माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। ऐसे दो वैल्यूज मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर हमको। सो माइनस 6 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 माइनस 4 2 आएगा, साइन रहेगा बड़े नंबर का, सो माइनस 2 अपॉन 2 विच इज माइनस 1। ओके, अनदर वन, माइनस 6 माइनस 4 इज माइनस 10, माइनस माइनस प्लस होता है एंड बड़े नंबर का साइन, इसलिए माइनस 10 अपॉन 2, तो 2 फाइव जा 10, तो माइनस 5 आएगा। तो x का एक वैल्यू माइनस 1, दूसरा वैल्यू माइनस 5। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया यूजिंग फॉर्मूला मेथड। हमको x के दो वैल्यूज मिल गए, विच इज x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 5। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो कैसे करेंगे, पहले a b और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a इज 1। x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 3, तो b इज माइनस 3, एंड द कांस्टेंट इज माइनस 2, तो c इज माइनस 2। नाउ कैलकुलेट b स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो माइनस 3 का स्क्वायर, बिकॉज b इज माइनस 3, माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज माइनस 2, 4 वन जा 4, तो माइनस 4 इंटू माइनस 2। ओके, सो 9 माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ प्लस आएगा, 4 टू जा 8, तो इसलिए 9 प्लस 8 विच इज 17। सो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का वैल्यू आया 17। अब फॉर्मूला लगाते हैं,
एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सो बी का वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। सो माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू है 17 अपॉन ए का वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 विच इज 2। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, टू वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू इज 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। सो एक्स के टू वैल्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन नाउ। सो थर्ड क्वेश्चन में अगेन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको ए बी सी निकालना है, तो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज योर ए विच इज 3, एम का कोएफिशिएंट इज 2 दैट इज योर बी, एंड योर कॉन्स्टेंट इज -7 विच इज योर सी। नाउ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं, तो बी इज 2 का स्क्वायर, 4 क्या है, 4 इंटू ए क्या है 3, एंड सी इज -7। यह सब्स्टिट्यूशन है नॉर्मल, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 थ्री जार 12 इंटू -7। सो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो इसलिए प्लस आएगा, 12 सेवन जा 84, तो 4 प्लस 84 आएगा 88। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू आ गया 88। नाउ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी का वैल्यू है 2, सो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू है 88 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 3। सो दैट विल गिव अस माइनस 2 प्लस माइनस, अभी देखिए यहाँ पे रूट 88 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हमको, 88 तो किसी का रूट नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करके थोड़े से वैल्यूज हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, 88 का आप निकालिए फैक्टर्स, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और फिर ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एंड देन दिस इज 11 1 ज़ा 11, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो एक हमको जोड़ी मिल गई है 2 की, तो ये 2 बाहर आ सकता है, और ये तो 11 2 ज़ा 22, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो अलग अलग नंबर्स है, तो ये तो अंदर ही रहेंगे। तो कैन आई राइट 88 एज 2 रूट 22, लिख सकती हूँ, ये जो 2 का जोड़ी इसमें से एक 2 बाहर आ गया, तो ये बाहर वाला 2, एंड 2 11 ज़ा 22, वो एज इट इज मैंने अंदर लिख दिया रूट के। ओके आई कैन राइट लाइक दिस। तो व्हाट आई विल डू, रूट 88 के जगह पे अब मैं लिखूंगी 2 रूट 22। आई होप दिस इज क्लियर कि ये 2 रूट 22 कैसे आया, अपॉन 2 3 ज़ा 6। अब क्या करना है, देखिए ये पूरे टर्म में आपका 2 कॉमन है, तो वेन यू टेक 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 6, है ना। मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहां पे भी 2 था, यहां पे भी 2 था, तो आई हैव टेकन 2 कॉमन, तो अंदर बचा -1 प्लस माइनस रूट 22, यहां से 2 गए, यहां से 2 गए। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारा वैल्यू क्या बचा, -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3। तो x का ये वैल्यू आ रहा है, अगर स्प्लिट करके लिखना है तो x के 2 वैल्यूज कौन से होंगे, -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3। तो दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ x। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 का ये सेकेंड क्वेश्चन का, हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब बचे हुए जो 3 क्वेश्चंस हैं फॉर्मूला मेथड को यूज करके करने वाले, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।